good morning my dear students and faculty members uh, who are watching this video and this channel myself dr. Casey Soni, associate professor in geology government loya post-graduate college churu affiliated to Maharaja Ganga Singh University Bikaner in today's lecture series आई एम गोइंग टू डिलीवर माई शॉर्ट टॉक ऑन नाइसी गई प्रिय साथियों और विद्यार्थियों आज के व्याख्यान बालक की श्रृंखला में नाइसी गोनोरी पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं ये टॉपिक विशेषकर बी एस सी पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट है उनके जोलॉजी के माइक्रोबी में ये टॉपिक्स हैं और इसमें करीब सात आठ इंडिविजुअल बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और उन बैक्टीरिया से धोने वाली बीमारियों के बारे में आपके सेलेबस में इंक्लूड किया है इससे पूर्व में कैंसर पे मैंने व्याख्यान आपके साथ शेयर किया है एड्स पे शेयर किया है डिप्थीरिया पे शेयर किया है स्टेप्टोकोकस पे शेयर किया है इसी श्रृंखला में नाइसरिया ग्रॉय इसे एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे गोनोरिया कहते हैं वो बीमारी इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है तो इनके अलग अलग आस्पेक्ट पे अलग अलग पहलुओं पर बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे चर्चा करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन गोनोकोकस डेवलप्स डिजीज इन जेनाइटल ऑर्गेंस कॉल्ड एज गोनोरिया तो गोनोकोकस जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा मनुष्य में जननांगों के अंदर बीमारी होती है और ये बीमारी गोनोरिया के नाम से जानी जाती है इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यह रोग लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलने वाला होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है फर्स्ट ऑफ ऑल एल्बर्ट एलेसनाइसर इन 1879 हंड्रेड डिस्कवर दिस बैक्टीरिया तो सबसे पहले अठारह सो उनासी में एल्बर्ट एलस्टनाइसर ने इस जीवाणु की खोज की थी और इस साइंटिस्ट के नाम पर ही इस बैक्टीरिया का जीनस जो है नाइसेरिया गोनोरिया वो रखा है हाबॉम इन 1885 कल्चर दिस बैक्टीरिया एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनोकुलेटिंग ऑफ दिस बैक्टीरिया इनटू ह्यूमंस 1885 में बूम नामक वैज्ञानिक ने इस बैक्टीरिया का संवर्धन किया कल्चर किया डगलस कैलोग हंड्रेड सिक्सटी डिस्कवर्ड फेज वेरिएशन इन गोनोकोकाई 1960 phase in 19 में डगलस कैलोग नाम के माइक्रोबायलिस्ट ने गोनोकोकाई बैक्टीरिया में प्रावस्था परिवर्तन जो होते हैं फेज वेरिएशंस जो होती है फेज विभिन्नताए पाई जाती है उनके बारे में खोज की हा इसके पश्चात इसके मोर्फोलॉजी आकारि की फ्लूट And seen in microscope show diplococcus structure. तो फ्लूट के द्वारा एकत्र किए गए स्लाइड को अभिरंजित करते हैं और स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें डिप्लोकोकस प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो दिखाई देते हैं इस फिर आप देख रहे हो ये जैसे डबल सक्सेस है ये डिप्लोकोकस इट्स लेटरल साइड इज कॉन्व और पीएसएफ इस की जो पार्श्व सतह होती है लेटरल साइड होती है वो या तो अवतल आकार की होती है या नास्पति के समान होती है दीज आर जनरली पॉलिम ये प्राय बहु आकारी की प्रकार के होते हैं इन सम सैंपल मोर देन हंड्रेड कोकाई प्रजेंट उस सैंपल में सौ से ज्यादा कोकाई उपस्थित होती है पिलई प्रजेंट पिलई पाई जाती है दे कैन अटैच ऑन एनी मिकोसल लेयर ये किसी भी के साथ, ये सकती है, उसके साथ ये चिपक सकती है परिघटना को अवमंदित करते हैं दे प्रमोट द एगलुटिनेशन इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स बट नॉट इन अदर मैम्स ये जीवाणु मनुष्य में आरबीसी के समूहीकरण को एग्लूटिनेशन को प्रेरित करता है लेकिन अन्य स्तनधारियों में एग्लूनेटेशन की घटना को यह प्रेरित नहीं करता है। इसके बाद में इसकी कल्चर करेक्टरिस्टिक्स संवर्धन की क्या विशेषताएं हैं इसके दीज आर एरोबिक बट कैन कल्चर इन एन एरोबिक कंडीशन ऑल्सो ये बैक्टीरिया वायव्य प्रकार के होते हैं लेकिन अवाय परिस्थितियों में भी इनका संवर्धन किया जा सकता है टेम्परेचर 35 डिग्री टू सिक्सटी ग्रेट सेंटीग्रेड इज गुड कचर माध्यम के लिए 35 से 36 डिग्री जो तापमान है वो सर्वश्रेष्ठ होता है सबसे बेस्ट होता है पीएच वैल्यू 7.2 टू 7.6, 7.2 से 7.6। पीएच के मध्य की जो परास होती है रेंज होती है इस पीएच परास में इसका सबसे बढ़िया कल्चर होता है चॉकलेट अगार इज बेस्ट मीडिया चॉकलेट आकार सबसे बेस्ट मीडियम है इट्स कॉलोनी इज स्मॉल इनकी कॉलोनी छोटी होती है राउंडेड गोलाकार होती है सेमी ट्रांसपेरेंट अर्ध पारदर्शी होती है एंड कॉन्वेक्स टाइप और उत्तल प्रकार की होती है इट्स सरफेस इज ग्रैन्युलर और लोबुलर इसकी सतह दानेदार होती है दिखने में या पाली युक्त तो हो, हो सकती है लोबुलर हो सकती है कॉलोनी इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर इनकी कॉलोनी टी वन के द्वारा टी टू के द्वारा टी थ्री के द्वारा या टी फोर के द्वारा निरूपित होती है टी वन एंड टी टू कॉलोनी इस विध पीलाई। टी वन और टी टू प्रकार की जो कॉलोनी है इनमें बैक्टीरिया के सरफेस पर सूक्ष्म रोम के समान रचनाएं पाई जाती है जिनको पिलई कहते हैं वायरुलेंट एंड कॉलोनियल कोकाई विथ ब्राउनिस की कॉलोनी है यह उग्र स्वभाव की होती है कॉलोनियल प्रकार की होती है और भूरे रंग की होती है दिखने में टी थ्री टी थ्री एंड फोर कॉलोनी आर ग्रेनुलर नॉन पिगमेंटेड एंड डिवाइडेड ऑफ टी थ्री और टी फोर कॉलोनी दिखने में कणी का युक्त तो होती है ग्रेनुलर होती है इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं और किसी प्रकार की पीलाई इसके अंदर नहीं पाई जाती है इसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक like बायोकेमिकल रिएक्शन तो मैनिजोकॉकस बैक्टीरिया जिस तरह बायोकेमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं उसी तरह ये बैक्टीरिया भी जैव रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं दे हैव द कैपेसिटी ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेशन इनमें ग्लूकोज के फर्मेंटेशन की क्षमता पाई जाती है दे आर नॉट केपेबल इन माल्टोज फर्मेंटेशन माल्टोज़ युक्त माध्यम में इसमें फर्मेंटेशन संभव नहीं है दे आर वेरी सॉफ्ट इनकी कॉलोनी दिखने बहुत सॉफ्ट है मृदु प्रकार की है एंड डिस्ट्रॉय बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा तापमान के कारण इनकी कॉलोनी नष्ट हो जाती है प्रकाश के कारण नष्ट हो जाती है और एंटीसेप्टिक मेटेरियल का यूज करने से इनके कॉलोनी समाप्त हो जाती है इट्स शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फोनिमाइट सल्फोनिमाइट मेडिसिन के प्रति इसमें प्रतिरोधी गुण प्रतिरोधी क्षमता है वो प्रदर्शित होती है हाँ इसके बाद में इसकी रोग जनकता रोगजनकता गोनोरिया इज ए सेक्सुअल डिजीज गोनोरिया है एक तरह का ये एक लैंगिक बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है दिस टर्म वॉज परपोज बाई गैलन इन वन थर्टी ए डी इस शब्द का प्रतिपादन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गैल नामक वैज्ञानिक ने 130 सौ एडी के अंदर इस्तेमाल किया था फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोसल सर्फेस तो सबसे पहले ये जीवाणु मूत्र मार्ग जो होता है इसकी म्यूकोसा की सतह के साथ ये आसंजित हो जाते हैं पिलई इज हेल्पफुल इन दिस अटैचमेंट इस आसंजन में पिलाई जो है वो बहुत कामगार है आफ्टर थ्री और फोर डेज दे इन्वाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू तीन और चार दिन के पश्चात ये बैक्टीरिया म्यूकोसा से इनके नीचे स्थित संयोजी उत्तकों के आवरण में कनेक्टिव टिश्यू के आवरण के, के अंदर ये धसना प्रारंभ कर देते हैं हा इक्यूबेशन पीरियड इज टू टू एट डेज इसका जो उद्भवन काल है इंक्यूबेशन पीरियड है ये दो से आठ दिन तक होता है इनमेल यूरिथ्राइटिस अपियर नर में इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण यूरिथ्राइटिस के लक्षण है वो दिखने लग जाते हैं लेटर ऑन इट स्प्रेड्स इन प्रोस्टेट इसके पश्चात ये बैक्टीरिया प्रोस्टेट ग्लैंड्स में चले जाते हैं सेमिनल वाइसाइकल्स में चले जाते हैं एपिडेडाइमिस में चले जाते हैं दिस इन्फेक्शन स्प्रेड्स अप टू पेरीजेनाइटल ऑर्गन्स और ये इन्फेक्शन पेरेजेनाइटल अंगों तक ये फैल जाता है व्हाइट फ्लू सीक्रीटेड होता है वो मूत्र त्याग की घटना में काफी बाधा डालता है इस फिगर में आप देख रहे हो ये एक लड़के के ब्लान स्पेनिश के द्वारा ये सफेद रंग का जो फ्लूड है वो इसके यूनिरी टेक्ट के द्वारा बाहर श्रावित हो रहा है इन फिमेल

इज़ रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन क्योंकि स्तरित सल की उपकला जो होती है वो संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होती है ग्रेजुअली दिस इन्फेक्शन स्प्रेड इन बर्थोलिन ग्लैंड धीरे धीरे यह संक्रमण बर्थोलिन ग्रंथि में चला जाता है गर्भाशय की एंडोमेट्रिय में चला जाता है फेलोपियन नलिकाओं में चला जाता है इट कॉजेज इनफर्टिलिटी इन फीमेल इस इन्फेक्शन के कारण स्त्रियां जो है वो बांझ प्रकार की हो जाती है उनमें ओवम का प्रोडक्शन है वो रुक जाता है और स्त्रियां बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाती है क्योंकि इनफर्टिलिटी के लक्षण इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं फीमेल एक्ट एज ए कैरियर फॉर दिस डिजीज महिलाएं हैं वो इस रोग के वाहक के रूप में कैरियर के रूप में यह कार्य करती है इट स्प्रेड्स बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड बाई होमोसेक्सुअलिटी यह रोग लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है और समलैंगिकता रखने वाले जो पुरुष है समलैंगिक जो व्यक्ति है उनके अंदर ये आसानी से फैलता है फीमेल फेल्स पैल्विक पेन फीमेल के पेल्वी गार्डन में सोनी में मेखला जो होती है आ, उस पेल्वी गार्डन के क्षेत्र में बहुत तेज दर्द की अनुभूति होती है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन मूत्र त्याग समय पेशाब में बहुत जलन महसूस होती है स्किन रेसिस तो के ऊपर छोटे चोट छोटे लाल रंग के चकते बन जाते हैं निशान बन जाते हैं लार्ज जॉइंट ऑफ नी एंड एंकल, घुटने के जो जोड़ है एडी के जो जोड़ है टखने के जो जोड़ है ये बड़े जोड़ इस जीवाणु के संक्रमण से प्रभावित होते हैं इसका इसका डायग्नोसिस निदान क्या है स्मियर प्रिपरेशन फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ यूरिनरी टेक्ट तो मूत्र मार्ग के द्वारा निकलने वाला जो तरल है उस तरल का स्मियर स्लाइड के ऊपर स्मियर बनाया जाता है स्मियर को स्टेन किया जाता है और फिर सूक्ष्म को देखा जाता है भाई एलाइजा टेस्ट एलाइजा टेस्ट के द्वारा भी इसके पहचान संभव है एंड बाई मैन एंड एम ए बी मैन एंड बायोटेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसके द्वारा इस बैक्टीरिया का डायग्नोसिस है वो पॉसिबल है संभव है हाँ, अब इसमें बचाव के लिए क्या करें प्रिवेंशन अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अफेक्टेड पर्सन जो संपर्क व्यक्ति है उसके साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनानी चाहिए अवॉइड एनल एंड ऑरल सेक्स एज दीज एरियाज है में तो गुदा मैं मुख में थुन, जहां तक हो नहीं खड़ना चाहिए क्योंकि माउथ में औरल एरिया में एनल एरिया में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बहुत ही पतली होती है और पतले होने के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन के फटने का डर रहता है और उस केस में इनका संक्रमण और भी भयानक हो जाता है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के इसमें सुरक्षात्मक जो युक्तियां हैं जिसमें विशेषकर जैसे ये जो कंडोम है जैसे कंडोम यूज करना चाहिए इसी तरह लेडीज कंडोम आते हैं वो लेडीज को स्त्रियों को यूज करना चाहिए इसके लिए और भी सुरक्षात्मक साधन है लेकिन इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए सबसे बढ़िया जो साधन है वो कंडोम होता है एजुकेट द सोसाइटी और जो समाज है अपने परिवार के सदस्य हैं स्कूल और महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको इस रोग के बारे में प्रचार प्रसार है वो किया जाना चाहिए और इसके बाद में ट्रीटमेंट ये रोग हो गया तो उपचार के लिए कौन कौन सी मेडिसिन कामगार हो सकती है प्रीवियसली uh, सल्फोनेमाइड ड्रग्स आर यूज पहले इस रोग के उपचार के लिए सल्फोनेमाइड ड्रग्स का यूज किया जाता था लेटर पेनिसिलिन इज यूज इसके पश्चात मेडिसिन वो काम में ली जाने लगी नवे डेज स्टेप्टोमाइसिन क्लोरमफेनिकोल इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है आ, ये कुछ लक्षण हैं और उनके लिए कारस्पॉन्डिंग मेडिसिन का यह टेबल है आ, जैसे अनकॉम्प्लिकेटेड इंफेक्शन ऑफ द सर्विक्स यूरिथ्रा एंड रेक्टामिन यदि इस तरह की कंडीशन हो तो उसमें फिर सेप्ट्रीएक्सोन सेफिजाइम सीप्रोफ्लोक्सिन अफलोफ्लक्सिन लेफ्लक्सिन मेडिसिन ज्यादा कामगार होती है गोनोकोकल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान उसी बैक्टीरिया का यदि इन्फेक्शन हो जाए उस केस में एक्शॉन और सेफिजाइम मेडिसिन काम में ली जाती है डिसेमिनेटेड गोनोकोल का इन्फेक्शन इन एडल्ट, एडल्ट में डिसेमिनेटेड गोनोकॉकल संपरण के कारण इसमें सेफ्ट्रीएक्शॉन मेडिसिन कामें ली जाती है

उस केस में भी सेफ्टी एक्सॉन मेडिसिन काम में ली जाती है नॉन, तो ये आंखों से संबंधित रोग है और इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ऑपथेलमिया रोग होने की संभावना रहती है और उस केस में भी सेफ्टी एक्सॉन मेजीनिंग सबसे कामकारी और सबसे प्रभावी है इन्फेंट बॉर्न टू मदर्स विथ गोनोकोकल यदि मदर के अंदर गोनोरिया डिजीज है और उस मदर के जब ये बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे में भी जन्म जात इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की संभावना हो है इस केस में इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन है ये सबसे अधिक प्रभावी होती है और ये एक बहुत ही शॉर्ट में कवरेज अपना गोनोकोकस या नाइसी गोनोरो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस चैनल और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज की तरफ से मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच